हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और मैं आपको बताने वाला हूँ 5 इजी ट्रिक्स जिससे आप टीडी रेस जल्द से जल्द सीख सकते हो। सो गाइस, बिना टाइम इसके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, डायरेक्टली बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ और वो है अटेम्प। देखिए कुछ ऐसा। तो गाइस, मैं लेफ्ट लेग किक करता हूँ तो मेरा अटेम्प आएगा देखिए कुछ ऐसा। अगर आप राइट लेग किक करते हो तो आपको इसका अपोजिट करना है। सो गाइज, आपको अटेम्प्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आपका अटेम्प्ट क्लीन और परफेक्ट होगा तो ही आप टीडी रेस स्टार्ट कर पाओगे। तो गाइज, अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ और वो है किक। तो गाइज, आपको करना है सिंपल सा अटेम्प्ट, देखिए कुछ ऐसा। और जैसे आप अटेम्प्ट करते हो वहाँ से ट्राई करना है कि लेग किक करके 540 करें, नॉर्मल से 540 करना है, देखिए कुछ ऐसा। तो गाइज, जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो स्लो करो ताकि आपको समझ में आए कि आप लेग कैसे किक कर रहे हो। और जैसे आप स्लोली स्लोली करोगे वैसे वैसे आपको थोड़ा एक नॉर्मल सा फील आने लगेगा कि आप टीडी रेस या रेस कर रहे हो। सो गाइज, अब बढ़ते थर्ड स्टेप की तरफ और वो है जंप। तो गाइज, जंप क्या है? जब आप सेकंड स्टेप करते हो तो उसमें जैसे आप लेग किक करते हो 540 करने के लिए, वैसे ही इसमें अभी आपको क्या करना है, जब आप करोगे लेग किक तो उसमें थोड़ा जंप करने की कोशिश करना है, मतलब पॉप करना है, देखिए कुछ ऐसा। तो गाइज, इससे क्या होगा, जब आप टीडी रेस करोगे तो आपका जो प्रॉपर हाइट है, ओके, वो प्रॉपर हाइट मिलेगा, जिससे जो आपका टीडी रेस है वो क्लीन और परफेक्ट दिखेगा। सो गाइज, अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ और वो है हैंड पोजिशन। तो गाइज, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैंड कौन सा टच करना है। तो गाइज, जो आप लेग किक करते हो वही साइड वाला आपको हैंड टच करना है। सो आपको हैंड टच करने के लिए क्या करना है, ओके, जैसे आप सेकंड स्टेप में अटेम्प्ट लेते हो और थर्ड स्टेप में लेग किक करते हो, वैसे अभी आपको क्या करना है, जैसे अटेम्प्ट लेके लेग किक करते हो और थोड़ा हाइट लेके जंप करते हो, वैसे आपको ट्राई करना है कि जो आपका हैंड है, ओके, वो रिलीज करें, मतलब टच करने की कोशिश करना है, देखिए कुछ ऐसा। तो गाइज, जब आप स्टार्टिंग में करोगे तभी ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब आप टीडी रेस कर रहे हो, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे फील आएगा और आपका टीडी रेस दिखने लगेगा। सो गाइज, अब बढ़ते हैं लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप की तरफ और वो है मंकी जंप। तो गाइज, आपको मंकी जंप पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। उससे क्या होगा, जो आपका टीडी रेस में आपको हैंड टच कैसे करते हो या कैसे करना है, उस चीज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगा। तो गाइज, आपको फोकस करना है मंकी जंप पे। और गाइज, एक चीज़ पे आपको टीडी रेस करते समय ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है और वो है आपका चेस्ट। तो गाइज, आपकी बॉडी जितना, मतलब जो आपका चेस्ट और बॉडी है जितना टाइट हो सके उतना टाइट रखे, जिससे क्या होगा, जो आपका टीडी रेस है क्लीन और परफेक्ट दिखेगा। सो गाइज, ये था 5 इजी ट्रिक्स जिसे आप फॉलो करके जल्द से जल्द टीडी रेस सीख सकते हो। तो गाइज, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। और गाइज, मेरे चैनल पे आप नहीं हो तो मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले मेरे कोई भी अपकमिंग वीडियो आप मिस ना कर पाए। सो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। पीस।